बीटी टिप्स में मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ, स्ट्रॉबेरी ऑयल की रेमेडी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन रखें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर मेरे चैनल का नाम कुछ दिनों से यूट्यूब पर मिस्टेक हो रहा है तो ना लोगों को मेरा चैनल नहीं मिल रहा। मेरे चैनल का नाम है किचन विद हूड। ये प्रॉब्लम है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने जब भी सर्च करना है किचन विद हूड आपने सर्च करना है तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब हम स्ट्रॉबेरी के बारे में आपको बताने लगे कि स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरपूर है, ये तो हम सबको पता ही है। कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा, इसको वैसे भी यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑयल के बहुत ज़्यादा फायदे, ये बालों को लंबा, घना और फंगल ख़त्म करता है। स्ट्रॉबेरी में मैग्नीशियम और कॉपर होता है, इसकी वजह से ये ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए ये देखें, ये मेरे पास आलमंड ऑयल है। ये मेरा बिल्कुल घर में निकला हुआ, ये मैंने खुद तैयार की है। अगर अभी तक आपने ये आलमंड ऑयल की वीडियो नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखें, ये मेरे चैनल पर मौजूद है। आपने मेरे चैनल पर आप जब जाएंगे किचन विद हूड लिखेंगे तो वहाँ आलमंड ऑयल की रेसिपी आपको मिल जाएगी। मैंने बेशुमार ऑयल की वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोगों ने अभी नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप घर में कोई सा भी जौन सा भी ऑयल यूज़ करते हैं, बस जैतून का तेल नहीं आपने डालना, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी तासीर गर्म होती है। फिर जैतून का तेल नहीं डालना, और कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, और कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं तो इसके अंदर ये देखें आलमंड ऑयल के साथ बनाने, आलमंड ऑयल के आपको पता है बालों में बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए ये देखें, ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, ये देखें ये स्ट्रॉबेरीज है ना, इसको मैंने हाथ से ही ऐसे छोटा छोटा मैश कर लेती हूँ। ये देखें, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें मैश किया, अब मैं आपको अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको हाथ से ही इसको ऐसे स्मैश कर लिया स्ट्रॉबेरी को। इसके ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट होता है उसको मैंने निकाल लिया और इसके अंदर मैंने तमाम आलमंड ऑयल को ना ऐड कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम में मैं आपको ये रेमेडी दे रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, अब इसको मैं चूल्हे पे पकने के लिए रखती हूँ, इसको स्लो फ्लेम पर हमने बनाना है। ठीक है, ताकि ये जले नहीं, इसके अंदर तमाम इसके जो जो हम इसके फ़ायदे लेना चाहते हैं वो इसके फ़ायदे हमें मिल जाएँ। ठीक है, अब इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दी है। ठीक है, अब ये इसको मैं मैश करती हूँ चम्मच के साथ। ये देखिए, अब ये स्लो फ्लेम पे पकेगा। ठीक है ना, ताकि इसके जो हम फ़ायदे लेना चाहते हैं वो इसके अंदर, इस तेल के अंदर ही रहें। अगर हमने तेज़ फ्लेम कर दी तो ये जल सकता है। ठीक है ना, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं ना। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा स्ट्रॉबेरी ऑयल हो गया तैयार। इसको मैंने स्लो फ्लेम पे आधा कप आलमंड ऑयल, ठीक है, और 6-7 मैंने स्ट्रॉबेरी ली, इसको मैंने चूल्हे पर स्लो फ्लेम पे मैंने रख दी है ताकि वो अच्छा से इसके अंदर तमाम इसके स्ट्रॉबेरी के जो फ़ायदे हैं इसके अंदर, इस ऑयल के अंदर आ जाएं। ठीक है, ये हमारा बेहतरीन सा स्ट्रॉबेरी ऑयल हो गया तैयार। ये देख लें, बेहतरीन स्ट्रॉबेरी ऑयल हो गया तैयार। ठीक है, इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, रात को लगा लें, सुबह को वॉश कर लें। ये मेरे पास मेरे चैनल पर हर्बल शैम्पू की भी वीडियो है। अब अगर आप इसको इसके साथ यूज़ करेंगे तो डबल फ़ायदा होगा आपको। अब आपने हर्बल शैम्पू के साथ यूज़ करने से डबल फ़ायदा हो जाएगा और ये आपके बालों को नरम मुलायम करेगा, फंगल ख़त्म करेगा स्ट्रॉबेरी ऑयल। ठीक है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी तरह न्यू एंड यूनिक रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।